अल्मोड़ा जिले में तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए पहली बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला गया है, जो जनपद के पहला केंद्र है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर पेयजल मंत्री ने कहा कि पहाड़ों में इस तरह के केंद्रों से यहां के बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है और आज तक यहां के छात्रों को मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता था, अब इससे उनको काफी फायदा इससे मिलेगा। अल्मोड़ा के लिए ये पहली बार जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके लिए अल्मोड़ा जनपद के लिए जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, इनके लिए बहुत सौभाग्य है। यहाँ का भी एक विषय आज का जो है, इससे क्या होगा कि समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ ही जो बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे, देहरादून नहीं जा सकते थे, यहाँ से हल्द्वानी नहीं जा, वह घर में ही यहाँ पर बैठ के अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने इसको अल्मोड़ा के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि आज के समय में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता बढ़ गई है, जो यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा प्रयास है। हमारे ऑनलाइन परीक्षा देने का जो कार्यक्रम यहाँ पर अल्मोड़े में हुआ है, ये हमारे छात्र और छात्राओं के लिए, यहाँ के बहुत ही जो टैलेंट है जिन लोगों में, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। टैलेंटेड हमारे छात्र अल्मोड़े में बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, और तो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्ट्रेंथ का यहाँ पर ये परीक्षा केंद्र खोला गया है, 192 लग गए हैं कि नहीं, बाकी दो जिले में लगने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही पूरे हमारा उत्तराखंड कुमाऊँ के लिए, विशेषकर नहीं केवल अल्मोड़ा, कुमाऊँ के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य होगा और बच्चों को आगे काम चले। आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खुलने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे युवाओं को बड़ी राहत मिली है, साथ ही उन्हें परीक्षा देने के लिए अब दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।